बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन किस किस ने छोड़ दिया अभी? हेलो। गुड गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है सर, मैं करवा दूंगा ये अपडेट सर आपका। ओके सर, थैंक यू सर। देखो बेटा, तो ये सीओ तो ये क्या हो जाएगा इधर? देखो ये जो एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपनी डोनेट कर देगा बेटा इधर। तो देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया ये एनओ, ओड इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस इज हाईली रिएक्टिव। ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव। बेटा समझ गए बात? यस सर। अरे बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। देखो मैं एक बार बेटा इसको शॉर्ट में ब्रीफिंग कर रहा हूं दोबारा से, कि एक्टिवेशन एनर्जी ER इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी तो है, और ये हो गया अपना एनर्जी बैरियर, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी बैरियर, इतनी एनर्जी है, और इतनी देखो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए तुम्हारे को, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर? बेटा प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये नेचर, इसका नेचर कैसा पता चलेगा, जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है। देखो ये तो होगी आपके पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी, और ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की कम है, इसका मतलब रिएक्शन में हीट का लॉस हुआ है। तो हीट का लॉस हुआ है तो रिएक्शन का नेचर कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? यस सर। अब देखो कि जैसे ये रिएक्शन थी, मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एनवायरमेंट में होते हैं, दोनों जुड़ के अमोनिया आपस में तो नहीं बना लेते। अब नाइट्रोजन गैस भी मोशन में होती है, हाइड्रोजन भी, इसका मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। कब? इनिशियली जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तब भी इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, फिर भी ये अमोनिया में नहीं बदलते। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी कि इसको अमोनिया में बदल दें हम, राइट? बोलो बेटा। यस सर। तो ई एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इन रिएक्शन वन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, एक्टिवेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगी बेटा, लेस, कम होगी रिएक्शन वन के अंदर, राइट? तो इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड लेस क्यों है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, वो अनपेड होने की वजह से ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ऐसा, इसलिए वो थोड़ी सी मतलब वो रेडिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि पहली रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या हुई आपकी कम, और दूसरी रिएक्शन में क्या हो गई ज़्यादा। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। समझ गए बात? यस सर। बेटा कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। अरे बोलो भाई, बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर। अब देखो, अब मान लो इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, और ये एनर्जी। देखो बेटा, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है और इतनी हमारे को सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये आ जाए इतनी, तो ये होगी देखो आपके पास, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या है आपके एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है और ये है बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बताओ डेल्टा एच क्या आएगा इसके अंदर? पॉजिटिव। ईपी माइनस ई आर पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ? एंडोथर्मिक। तो और एक्सोथर ये रिवर्सिबल होगी, उसमें दोनों बराबर हो जाएंगी, और ये क्या होगी बेटा, ये होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। तो ई आर प्लस ई ए हो जाएगी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस और नो? यस सर। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो, जैसे कोई रिएक्शन सीक्वेंशियल स्टेप्स में हो, तो सीक्वेंशियल स्टेप्स में हो, जैसे इस तरीके से मैं कोई ग्राफ बना दूं आपके लिए कि ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे नेचर से क्या पता चल रहा है, ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि हाँ बेटा सर, ये पहले वाले में इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी ER ही है यहाँ पे? हाँ। नहीं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ER प्लस ये होगा, ये टोटल होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ये है आपकी ET। नहीं समझा बात? समझ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा इसमें? ET के बराबर ही होगी ये। तो देखो, ये दो स्टेप है बेटा। अब इस दो स्टेप में मान लो ये रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स एक्स, ठीक है बेटा। अब ये रिएक्टेंट्स एक्स किस में चेंज हो गए? ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये तो इनकी इनिशियल एनर्जी होगी, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप, मान लो दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन, तो इसको मान लो E1 एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, ये जो ये आया बेटा इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मान लो ये बन गया एक्स स्टार, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए E1 चाहिए थी। अब देखो, एक्स स्टार किस में बदल गया? वाई में, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या मान लो बेटा? E2। बोलो। देखो, ये E1 एनर्जी चाहिए थी, तो यहाँ पे एनर्जी बैरियर आ गया, ये इसमें इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे इंटरमीडिएट बना, ये क्या हो गया? एक्स स्टार। ये एक्स स्टार किस में बदल गया बेटा आपका? वाई में। समझ गए बात? अब देखो, वाई मान लो बदलेगा, ये वाई का इंटरमीडिएट हो गया यहाँ पे, इसको मान लो वाई स्टार। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। एक्स एक्स स्टार में गया तो क्या हुआ उसकी? E1। एक्स स्टार वाई में गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी? E2। और वाई वाई स्टार में गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी? E3।
अब वाई स्टार मान लो जेड में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो ये एनर्जी क्या होगी इसकी, ई फोर, तो ये फाइनली क्या हो गया आपका यहाँ पे एनर्जी ऑफ जेड। तो देखो ये एक्स से जेड की एनर्जी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडो है? एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन का नेचर भी कैसा होगा? एक्सोथर्मिक ही होगा बेटा। बोलो क्लियर है या नहीं बात? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो ये ई वन और ई थ्री, ई वन और ई थ्री में कौन ज्यादा होगा बेटा? बेटा ई वन ये है और ये जो स्टेप की एनर्जी है ये क्या होगी आपकी? सर ई वन ज्यादा होगा। ई वन ज्यादा होगा, ये होगी ई टू और ये क्या होगी आपकी? ई थ्री। और यहां से लेके ये जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ये क्या होगी आपकी? ई फोर। बेटा नहीं आया समझ में? तो ई वन और ई थ्री में कौन ज्यादा है? ई वन। ई वन ज्यादा है तो इनके अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी एक्स स्टार की ज्यादा हुई या वाई स्टार की? एक्स स्टार। बेटा एक्स स्टार की ज्यादा हुई स्टेबिलिटी, समझ गए बात? सर एक्स वाई की। क्या बेटा? सर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? क्या क्या बोल रहा है, दोबारा बोलना। सर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, आपने किसकी बोला? बेटा देखो स्टेबिलिटी का जनरल सी बात है, कोई रिएक्टेंट हो या इंटरमीडिएट हो तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। भाई जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। जैसे वो रिएक्शन थी अभी ऊपर वाली, ये एनओ और सीओ, तो एनओ ज्यादा रिएक्टिव था, तो एनओ ज्यादा रिएक्टिव था तो ये क्या कह सकते हैं, सीओ इज मोर स्टेबल और एनओ लेस स्टेबल हुआ। बेटा आई या नहीं आई बात समझ में? सर इसमें मतलब फिर कौन सा आएगा, किसमें कौन सा आएगा? सर एक्स स्टार की वाई स्टार। एक्स स्टार और वाई स्टार, देखो एनर्जी किसकी ज्यादा है, मतलब एक्स को एक्स स्टार में बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ना? यस सर, लेस रिएक्टिव होगा। तो वो लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा। और वाई को वाई स्टार में बदलने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यस सर, तो वो लेस वो मोर रिएक्टिव हुआ, मतलब स्टेबल हुआ ज्यादा। हाँ, और एक इसका उल्टा भी कर सकते हैं ग्राफ को हम, तो वो बेटा कैसे भी आ सकता है अलग अलग रिएक्शन के, वो तो मैकेनिज्म से प्रेडिक्ट करेंगे हम ग्राफ क्या होगा। सर अगर इसमें इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों की एनर्जी इक्वल होगी तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ना बेटा, इक्वल होगी तो दोनों में जीरो हो गया एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी डेल्टा एच जीरो आएगा माना जाएगा उसके अंदर। ठीक है सर, समझ गया बेटा। यस सर। अब देखो उसके बाद कैटलिस्ट का रोल पढ़ा था हमने कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर? तनु क्या क्या इफेक्ट होगा बेटा? सर दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एक एक रेट को इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी को, और मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन, और एक रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है। तो क्या करेगा देखो कैसे, देखो बेटा एक तो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड अनदर वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट। देखो बेटा आप एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए ना तुम, आप देखो ध्यान से समझना कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय एनर्जी को लोअर कर देगा, तो उसकी वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। हाँ, बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देगा। देखो कैसे, जैसे मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे को एक पहाड़ को क्रॉस करना है और पहाड़ के बीच में मैं एक टनल बना दूं, तो टनल बना दूं तो पहाड़ को क्रॉस करना आसान हो जाएगा या मुश्किल? आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। अब नेगेटिव कैटलिस्ट, एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर मैं दीवार बना दूं एक और, तो तुम्हारे को उस दीवार को कूद के जाना पड़ेगा। यस सर। तो उसमें मतलब और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना तुम्हारे को।
यस तो मतलब ये नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए बेटा बात? अब इसको देखो ग्राफिकली प्लॉट करना है बेटा। सर हाँ सर, कौन सा पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा कौन सा नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो कैसे पता चलेगा? बेटा वो तो ध्यान रखना पड़ेगा पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। मतलब एक्सपेरिमेंटल, कोई एक्सपेरिमेंटल है? हाँ देखो ये है बेटा, ये कैटलिस्ट देखो, इस कैटलिस्ट ने एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बदला क्या बेटा? नो सर। देखो केवल किसको कम किया है? पहले वाली जो ये ग्रीन वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो तो ये थी आपके पास, ये दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ होगी बेटा, और वो होगी नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ, राइट? बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? ये होगी पॉजिटिव कैटलिस्ट इन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये होगी नेगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। देखो तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और अब देखो नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। जो बीच वाला ये है, ये नीचे तक क्यों नहीं लेके गए? क्या बेटा? सर ये ईए और ईए वो दोनों इक्वल ही है, मतलब ये इक्वल कैसे है? दोनों में इक्वल दिख रही है देख। नहीं सर, मतलब वो लाइन नहीं लगाई थी ना। अब सही है? यस सर। देखो बेटा अब ये इसके अंदर, ये थी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा। अब इसमें मान लो हमने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट इसमें भी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, और ये देखो एनर्जी बैरियर की एनर्जी को ऊपर पहुंचा दिया ना बेटा। तो देखो ये तो एनर्जी जो अपन ने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट? नेगेटिव, नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, और ये क्या होगी आपके पास? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द ईए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए? यस। अब देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्साइड लेंगे हम, तो आयरन की ऑक्साइड इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है बेटा, तो अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा सर। बढ़ा देगा, शाबाश। CH2 प्लस CH2, ये आपके पास इथीन है, इसमें हाइड्रोजन जोड़े हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, रेने निकल एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। देखो इसका रेट R1 है सेम ये, और यहाँ पे नो कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट, तो ये किसके ऊपर होगा बेटा? ये भी इथेन तो बनेगा, लेकिन कौन ज़्यादा होगा इसमें? R1 इज ग्रेटर देन R2। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर।
अब देखो जैसे इसमें KCLO3 है, पोटेशियम क्लोरेट, तो KCLO3 का T1 टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन होगा इनटू KCl प्लस O2, ये तो है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसी रिएक्शन में मान लो आपने कैटलिस्ट डाल दिया MnO2, तो T2 टेम्परेचर प्लस वी एडेड कैटलिस्ट, तो KCl प्लस O2, दिस विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, तो T2 विल बी ग्रेटर देन, ये T2 विल बी लेस देन T1। बेटा समझ गए बात, इसका मतलब कैटलिस्ट ने लो टेम्परेचर के ऊपर ही करवा दी ना रिएक्शन को। यस सर। आप देखो इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे ये है बेटा, आर आर सी ओ सी एल एल्केनोइल क्लोराइड है, इसकी पैलेडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं अगर हम, तो ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, आर। सर रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज या डिक्रीज उसके साथ भी होती है ना, टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को सर, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज या डिक्रीज मतलब जो वो तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी के तो अलावा अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें या फिर और भी फैक्टर्स यूज करें तो उससे भी तो चेंज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं दोबारा बोल सर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें तब भी तो चेंज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करना है ये बता, हम तो यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल पढ़ रहे हैं, अब जब तू टेम्परेचर का रोल क्यों ला रहा है बीच में भाई, एक फैक्टर थोड़ी है जो इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, नहीं समझे बात। देवेंदु नहीं समझा क्या, ये मतलब आपने यहाँ पर टेम्परेचर लिखा था इसलिए पूछ रहा था। बेटा टेम्परेचर तो मैंने इसलिए लिख दिया कि कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन T1 टेम्परेचर पे हो रहा है मान ले, और कैटलिस्ट लेंगे तो T2 पे हो रहा है, तो कैटलिस्ट ने जो इस टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन होता है उसको कम करवा दिया ना, तो टेम्परेचर भी इससे टेम्परेचर और एक भी एक्टिवेशन एनर्जी से क्वांटिटेटिवली रिलेटेड होता है, वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। और सर तो वो इसमें जो ये जो दो ग्राफ है इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएबल होगी मतलब दोनों, थ्रेशोल्ड एनर्जी बदल जाएगी अपने आप, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो टोटल एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है, तो एक में तो कैटलिस्ट ने बढ़वा दी, एक में कैटलिस्ट ने घटवा दी। तो सर अगर टोटल निकालनी हो तो फिर वो अगर मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग बनेगा। हाँ सब में अलग अलग बनेगा। अब इसमें ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट भी एक रिएक्शन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उनके केस में भी एनर्जी रिक्वायर्ड अलग अलग होगी, समझ गया बात। यस सर। अब देखो जैसे आर सी ओ सी एल है, ये पैलेडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, और अब ये मैंने लिया आर सी ओ सी एल और इसमें मैंने थोड़ा सा जहर डाल दिया इसमें, पैलेडियम विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ये रोजमंड्स रिडक्शन होता है, दिस बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन, ये इस कैटलिस्ट के अंदर नेगेटिविटी डालेगा, नेगेटिविटी डालेगा तो इसका रिडक्शन RCHO तक ही होगा, एल्डिहाइड बनेगा इसके अंदर, तो देखो कि ये किसका रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, नेगेटिव कैटलिस्ट का, समझ गए बात। देखो हाइड्रोजन परोक्साइड है तो हाइड्रोजन परोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगी किसके अंदर, H2O प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाती है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं पिरिडिन, पिरिडिन एसिटाइनिलाइड, तो पिरिडिन और ये एसिटाइनिलाइड ये रोल प्ले करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट का, तो ये क्या कर देंगे पिरिडिन और एसिटाइनिलाइड और फॉस्फोरिक एसिड, क्या कर देंगे बेटा ये तनु, क्या कर देंगे, सर क्या कर देंगे ये कैटलिस्ट, बेटा ये कैटलिस्ट सारे क्या कर देंगे, दे डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, मतलब H2O2 डिकम्पोज हो रहा था ना बहुत जल्दी से, डिकम्पोज तो अब भी होगा लेकिन ये उसको क्या कर देंगे,
उसको रेट को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, समझ गए बात? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया ये? सर रिया आ गया समझ में? रिया दीप? सर रिया आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। जोर दिखाना नहीं खाया क्या? लिया। अच्छा, 10 बच्चे तो अच्छा। आराम से घूम रहे होंगे अब, है ना? शुरू में ज्वाइन हो गए, फिर निकल लेते हैं। देखो क्वांटिटेटिवली, वरुण समझ में आ गया क्या रे? यस सर आ गया। क्वांटिटेटिवली हाउ ईए इज रिलेटेड विद टेम्परेचर? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय अरिनियस इक्वेशन। कौन एक्सप्लेन करता है बेटा इसको? अरिनियस इक्वेशन। देखो अरिनियस इक्वेशन क्या है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये बेटा क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे। के क्या है यहाँ पे? के इज द रेट कॉन्स्टेंट। और ए को क्या बोलते हैं इसके अंदर हम? अरिनियस कॉन्स्टेंट। और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अरिनियस कॉन्स्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ई ए क्या है इसमें? ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी। टी इज द टेम्परेचर। और आर है बेटा इसके अंदर गैस कॉन्स्टेंट। ऐसे रिलेटेड होती है ये, ठीक है बेटा? अब देखो ये जो ई ए बाई आर टी होता है, ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनी बाई एन टी। तो एनी का मतलब क्या? क्या सर ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से बेटा? आया ये यही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट इज डिपेंडेंट। ये तो एक्सपोनेंशियल मतलब क्वांटिटेटिव इफेक्ट था इसका टेम्परेचर का। तो जैसे शुरू में बताया था ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेट कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है रिएक्शन का विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से अरिनियस ने इसकी वेरिएशन बताई थी कि ये एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा इसके अंदर, ठीक है बेटा? ये जो एन ई क्या था? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई और एन टी आपका
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, अब इस अरिनियस इक्वेशन का दोनों साइड में हम लॉग लेंगे। देखो एल एन के इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल एन ए माइनस माइनस ई ए बाई आर टी, क्योंकि एल एन ई की पावर एक्स का लॉग क्या होता है बेटा, एक्स के बराबर होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स ये ई ए बाई आर टी, तो माइनस ई ए बाई आर टी हो गया। तो ये मान लो एट टेम्परेचर टी वन है, या पहले एक बार इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन। देखो बेटा इसका ग्राफ कैसा आएगा, एल एन के और ये वन बाई टे, बेटा नेगेटिव स्लोप आएगा नहीं आएगा, स्लोप क्या आएगा इसका, माइनस ई ए बाई आर, और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा इसमें, एल एन ए। अब देखो बेटा एट टेम्परेचर टी वन, एट टेम्परेचर टी वन रेट कांस्टेंट को क्या अज्यूम कर लो, रेट कांस्टेंट है मान लो आपका के वन, तो एल एन के वन को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल एन के वन बराबर एल एन ए माइनस। सर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है बेटा, नेगेटिव स्लोप नहीं है, वन बाई टी, ये देख यहाँ पे वन बाई टी जब बढ़ेगा तो एल एन के क्या हो रहा है इसके अंदर, घटेगा। फिर वाई बराबर सी माइनस एम एक्स वाली इक्वेशन नहीं होगी, नेगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप ही हो गया। यस सर, ये होगी ई ए बाई आर टी वन। सिमिलरली एल एन के टू बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी टू, ये होगी इक्वेशन नंबर टू। बेटा समझ गए बात? यस सर। अब देखो इसमें से इक्वेशन टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ये आ जाएगा एल एन के टू माइनस एल एन के वन, एल एन ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस ई ए बाई आर टी टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ई ए बाई आर टी वन। और देखो इसको हम पुट कर सकते हैं एल एन, लॉग एम माइनस एन को लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन, एल एन के टू बाई के वन, ये बराबर हो जाएगा ई ए कॉमन ले लो इसमें ई ए बाई आर, तो वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। बेटा ऐसे रिलेटेड होगा एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब देखो इसका हम एल एन को टेन बेस में कन्वर्ट करूँ मैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग टेन बेस के टू बाई के वन। देखो बेटा लॉग टेन बेस में बदलूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई को मैं नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ई ए अपॉन 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? यस सर। बेटा समझ गए कैसे किया ये? यस सर। एल एन के टू बाई के वन बराबर हो गया ई ए अपॉन 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। अब देखो इस इक्वेशन की फॉर्म में, अगर इसकी फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना हो अपने को, लॉग टेन बेस के वर्सेस वन बाई टी। देखो बेटा इसमें भी वही नेगेटिव स्लोप आएगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपकी इसमें बस ई ए, इसमें 2.303 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कॉमन लेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा इसके अंदर, तो इसमें स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर माइनस माइनस ई ए अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा इसमें,
लॉग 10 बेस ए के बराबर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं है, समझ गए क्या सब लोग? यस सर तो ये जो एक्सप्रेशन आपकी, ये क्या रिलेट करती है? रिलेट्स हाउ रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड सर, क्वांटिटेटिवली विद ये एक्टिवेशन एनर्जी एंड ग्राफ है टेम्परेचर। सर, ये दूसरा वाला ग्राफ किस चीज का है? बेटा सेम वही ग्राफ है ऊपर वाला, इसमें लॉग 10 बेस ले लिया मैंने, ऊपर वाले में एल एन नेचुरल लॉग में लिया था। ठीक है सर। इट क्वांटिटेटिवली रिलेट्स हाउ हाउ ई ए इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिवली रिलेट करता है बेटा, हाउ ई ए इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। ई ए टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है? टेम्परेचर एंड रेट कॉन्स्टेंट। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें किसी को। अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। अब देखो बेटा, इनकी 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स। यस सर। सर हाँ बेटा, सर ये यहाँ पे रिलेटेड विथ टेम्परेचर तो ठीक है, मगर यहाँ पे रेट फ्लो कहाँ से आ गया? रेट कांस्टेंट के क्या है? और यहाँ पे सर के क्या है बेटा देवेंदु? रेट्स कॉन्स्टेंट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स। देखो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखो बेटा कैसा ग्राफ आएगा। कि मान लो ये T1 टेम्परेचर के ऊपर ऐसा ग्राफ आ रहा है और ये आ रहा है T2 टेम्परेचर के ऊपर, ये T1 पे है और ये T2 पे है बेटा, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बहुत कम स्पीड है वो क्या है यहाँ पे? देखो जिन मॉलिक्यूल्स की बहुत कम स्पीड है वो क्या है? देखो इस रीजन के अंदर हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की वेरी लो स्पीड, वेरी लो स्पीड, इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसको मॉलिक्यूलर स्पीड में प्लॉट कर लो। बेटे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स जो है ये अपन वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, तुम इसके न्यूमेरिकल्स करना आज। ओके बेटा, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा, सर क्या रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? नहीं बेटा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्स के लिए डिपेंड करेगी, ऐसे डिपेंड नहीं करेगा। वो तो रेट हाई होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली हाई होगी।